गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशुन। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह, आज की ना तारीख 1 फेब है, महीना का पहला दिन। होप अच्छा जाए आप सबका भी महीना का, मतलब ये मंथ फेब का मंथ अच्छा जाए। तो उठकर मैंने नहा के फ्रेश होकर पूजा भी कर लिया और सोचा नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो बाकी दाल चढ़ा दिया लेकिन सब्जी समझ में नहीं आ रही क्या बनाऊँ। एमएन भी नहीं है, गई हुई है अपने कॉलेज और प्रशुन जी तो एज यूजुअल अपने फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। तो सुबह मैं थोड़ा सोची बाहर निकलती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ओस गिर रहा है ना, पीछे से कैमरे में थोड़ा साफ दिख रहा, बाकी ऐसे दिखे ना तो थोड़ा धुंध लग रही है। नर्सरी वाले प्लांट वाले आ रहे, थोड़ा उनसे प्लांट देते क्योंकि प्लांट आप लोगों को पता ही है मुझे कितना ज्यादा पसंद है। ये फूल अपने हाथ में लगा दिए, वो वाली रेड वाली, ये रेड, ये साल गिरा, ये वाली, ये छोटी छोटी, ये साल गिरा है। अच्छा 40, सब 40 की है क्या? गेंदा 20 रूपए, गेंदा बस 20 रूपए का। हम लोग तो ये सब भी 20-20 का लेके आए थे। कहाँ से? यहीं पे नर्सरी नहीं है इधर, वाटिका नर्सरी वगैरह। अच्छा ये हल के पेड़ मेरी बहन में हिम्मत लगा के भी जब मैं सारा काम करूँ। अच्छा है जी, 30 रूपए लगा दो थोड़ा और बताइए। नहीं रहने दीजिए, अभी लगाए हैं वो खिल ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई नहीं, कल भी पढ़ाओ कुछ। सोचा कि प्लांट ले लेती हूँ क्योंकि हम मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं देख के अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो प्लांट लिया नहीं क्योंकि वो जो पहले ही वाला है, फिर गमला लो, फिर घर भी जाने वाले हम लोग जल, तो कौन केयर करेगा, वैसे ही प्लांट्स वो सब है, इस करके मैंने कुछ लिया नहीं। बाकी अभी नाश्ता वगैरह भी बनाना है, चढ़ा दी हूँ मैं बनने के लिए, तब तक सीटी लग रही है तो मैं सोची क्यों ना मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर लूँ बाहर में आके, क्योंकि ना चढ़ा दिया है कहीं वो जल ना जाए, तो चलते अंदर। तो दोस्तों ये रही हरी हरी भिंडिया, अब इसका समझ में नहीं आ रहा मैं भुजिया बनाऊं या फिर मसालेदार, इधर में कुकर में से तेल भी रही है। तब तक चलते हैं प्रशुन जी के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं इस डाउट का क्या करना है। कंबल तान के सो रहे हैं महाशय, देखते हैं। दिन भर वैसे ही काम है उनका, जिंदगी में कंबल तान के ऐसे बस। देखिए क्या देख रहे हैं, शार्क टैंक, यही यही सब इनको कॉमेडी वाला कोई मतलब नहीं है। ओ भाई खाना क्या बनाऊ, ठंडा लग रहा है यार, मौसम सही नहीं है यार, सोने तो भाई। तो खाना नहीं है आपको, फिर भूख नहीं ना लगेगा आपको? लगेगा, बना कुछ। क्या बनेगा? वीडियो की कॉल कर रही है, आपका चाल दिखाना जरूरी है सबको, आप कैसे करते हैं। आज मैं सुबह से पढ़ा हूँ कि नहीं बताओ, तुम देखी ना बोलो सबसे, पढ़ा एक्टिंग नहीं, फिर से नॉर्मल नॉर्मल रही है, कैमरा देख के एक्टिंग नहीं भाई, 1.5 घंटा में पढ़ा हूँ। कुछ नहीं पढ़े हो आप, पहले बताइए जल्दी से, मैं कंफ्यूज हूँ, भुजिया बनाऊँ कि मसाले? जो मर्जी, तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, तुम जो मर्जी अच्छा लगे वो बनाओ, मैं सिर्फ ठीक खाऊंगा। तो अभी भिंडी काट दीजिए थोड़ा सा, मुझे को चाकू चलाने नहीं आता आपको पता है, उधर सीटी लग रही है, जल्दी भुजिया जल जाएगा। इतना अच्छा चला लेती उसी से काट न जाओ, लेकिन तारीफ था कि क्या था क्या था क्या था क्या था, लो मार खाओ आप, चलो कोई काम के नहीं है इनसे पूछ नहीं, मैं इसका मसालेदार ही बना लेती हूँ। पता है मैंने प्लांट खरीदा है, प्लांट खरीद लिया, एक आया था घर के सामने बेचने, प्लांट 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 पौधा फूल। अच्छा, का प्लांट था, तो क्या खरीदा? फूल का पौधा। अच्छा, आप कुछ रिएक्ट नहीं किए। अच्छा है, अभी ना गर्दन मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, अरे बहुत महंगा खरीद लिया, 120 का एक सही है, बहुत अच्छा फूल दिखाते हैं आप। 120 रूपए मेरे इंस्टीट्यूशन में ही है नर्सरी, आपके इंस्टीट्यूशन में जो है गंदा है, उसका फूल नहीं खिल रहा, देखिए सब बहुत अच्छा लेकर आ गया, उस समय सीजन नहीं था, एकदम जनवरी में तुम गए थे, तो आप उस समय क्यों लेके गए थे मुझे? अभी बहुत अच्छा आ गया, तुम तो लेके आइए, उनको बोलिएगा कि फीडबैक दीजिए, आपका फूल एक भी नहीं खिल रहा, मैं दिखाती हूँ। भिंडी काटिए जल्दी से, चाकू से मेरे को नहीं आ रहा कैसा काटना है। आप लोगों को दोस्तों दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स का हाल, ये देखिए इसमें भी फूल नहीं है, बाकी कल ही आई है, इसमें फूल हो रहा है, इसका तो सूख ही गया शायद, इसमें भी कलियां नहीं आ रही है, ये भी देखिए, अरे ये थोड़ा बहुत इसका हालत ठीक है। आप किस सोच में डूबे हुए? वो पता है मैं इनको मिल गया बस। हाँ ऐसे नहीं काटना है, भुजिया नहीं बनाऊंगी मैं, ओ भाई मसालेदार,
तो मसालेदार वाला कैसे? अरे खराब कर दिया आपने सारा यार, छोड़ी छोड़ी, थोड़ा सा भुजिया बना दो, थोड़ा सा भुजिया बना दो, काट दे रहे तो आलू आलू भिंडी का। खांसी हो गया मुझे, लगता है आप ही को भुजिया बनाना पड़ेगा। छुट्टी भाई दिन चूर हो गई एकदम से भाई, के हमको सिखा रही है कि कैसे काटते हैं भिंडी, तभी महारानी हमको बता रही है। ऐसे आपने काट दिया, भुजिया नहीं बनाना है मुझे, बनाना है मसाले वाली, तो इसको ये भिंडी लंबा ही रहेगा, बस इसके बीच में से एक स्लिट कर लेंगे हम लोग, और ये भिंडी कैसे। अच्छा लंबा, हाँ घर पे नहीं खाते हैं मम्मी जी बनाते हैं। हाँ हाँ अब आ गया, लाओ लाओ मैं कट कर देता हूँ, जाओ 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 तुम और कुछ करो मैं बना दे रहा हूँ। तो फाइनली हमारा भिंडी सब कट चुका है, और ये देखिए भुजिया के लिए और मसाला वाला भी बन रहा है, और मैं सक्सीड हो चुकी हूँ इनको किचन में लाने में, मैंने इतना ज्यादा हल्ला किया कि ये बेचारे उतना पड़ा दोस्तों, फोन छोड़कर फोन कॉमेडी सर्कस देखते हैं सुबह सुबह, इनके लाइफ में इतना कॉमेडी होता है, इनका मन नहीं भरता, इनको कॉमेडी सर्कस देखना है। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ बन ही गया है, और लास्ट में बस ये भुजिया बन रहा है आलू का, और इसका भूख भी बहुत अब जोर से ही लग गई है, क्योंकि नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है मुझे, मुझे क्या आई थिंक सबको ही लग जाती है नहाने के बाद थोड़ा भूख, और उधर वो बैठ के इंतजार कर रहे कि कब खाना बनेगा, तो मैं खाऊँगा खड़ा। ये देखिए महाशय को खाने पे कैसे टूट पड़े हैं, और यहाँ भी फोन छूटना नहीं चाहिए हाथ में, भले कुछ भी हो जाए लेकिन फोन नहीं छूटना चाहिए हाथ से, फोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कैसे खा रहे हैं गप गप, हमसे एक बार पूछे भी नहीं, खाना है तुमको, इतना मेहनत से खाना बनाया मैंने, मैं खाना बनाई हूँ क्योंकि हाथ जल गया था करके एमएन मुझे किचन में एंटर ही नहीं करने देती, बस कुछ कुछ काम मेरा मन भला नहीं उसके पास चले जाते थे, बाकी वो करने नहीं देती कुछ मेरा हाथ, क्योंकि इतना ही जला था, बाकी अभी तो ये सूख गया है लग रहा है, दवा लगा लिया है मैंने, लेकिन भूख लग रहा है, उसका भी काम हो ही गया है, कॉल लिए थे उसको, बोले दीदी मैं आ रही हूँ, तो सोचा क्यों ना उसके लिए थोड़ा वेट कर लूँ, साथ में खाएंगे, अच्छा लगता है ना ऐसे डेली डेली साथ में हम लोग का। बाकी इनको जाना है इंस्टीट्यूट जल्दी, नहावा से फ्रेश होके तो नहाए नहीं है, इस कारण इनको मैंने बोला क्या जल्दी खा लीजिए। हे गाइस, तो हो चुकी है शाम, और कैबेज क्रश हो रहा है, वो भी कर रही है रिया जो आज आई है हमारे घर पे। ये देखिए क्या हो रहा है इस कैबेज का, और ये कौन है हमारे व्लॉग में, ये नई मेहमान आई है हमारे घर आज। ये मेरी बहन है, इसका नाम है रिया, और आज बन रहा है मोमो, तो इस करके मैंने रिया को बुलाया, और इसको भी बहुत ज्यादा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसको मोमो बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से इसको भी बुलाया, और आई है वो सिर्फ फ्री, अब ऐसे मोमो तो नहीं खा सकते, तो करो मेहनत भाई, रगड़ो रगड़ो कैबेज को। हाँ काम दे दिया, आज बनने वाली है हमारे घर में मोमो, और बेचारी से मैं बहुत काम करवा रही हूँ, सीधा पिंकी पिंकी बन के आई है, सीधा हॉस्टल से आ गई है हमारे घर पे, इसको कैबेज के साथ साथ अब कैरेट भी क्रश हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और इधर एमएन भी बैठ के लहसुन छीलने लगी है आकाश में खोलो दो, ये लोग अब नेपाली में कुछ कुछ बात कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, दोनों नेपाल से जो लोग नेपाल से हैं शायद वो लोग समझ सकते होंगे। वो देखिए आ गए इधर से प्रश्न जी भी, सरप्राइज भूली क्या मैं क्या कह रहा था, बाप रे भारत का भारी ये भारत के बारे में बोल रहे थे, इधर आवाज़ पर और ही होता इधर है कोई तो आता नहीं हमारे घर पे, हम लोग तीनों रहते। तो दोस्तों चटनी भी अब उबलने लगी है ऐसे, उसको हम लोग डाल दिए उबलने के लिए, धनिया पत्ता भी डालेंगे उसमें, और एमन पूरा फुल फोर्स से काम कर ही जा रही है, ये देखिए कितना कलरफुल रंग है चटनी एकदम, जिससे बॉयल भी होने लग गया। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ये क्या किया इन लोगों ने, ये माय गॉड, ओह माय गॉड,
दोस्तों ये बच गई है, हुआ ये दोस्तों पूरा हाल। एक्चुअली दोस्तों मिक्सी का वो जो ऊपर का कवर था वो अचानक खुल गया और कनेक्शन किया हुआ था और पूरा चटनी MNK और फिर से रिया के पूरे कपड़े पे पड़ गई। ये देख लो आप लोग लो। तो इतना खतरनाक हो गया ना अभी बताने हमारी गेस्ट। तो दोस्तों फिर से ये लोग ड्रेस चेंज करके किचन पे पहुंच गए हैं और सच में मतलब हम तो लेट हो गया। एक्चुअली हम लोग किसी और को भी बुलाने वाले थे मोमो खाने के लिए, तो बेचारा अब तो हम खा ले भाई बहुत है, तो पता नहीं क्या होगा। तो गाइस वो चटनी तो मैंने तो चटनी से छोड़ दिया भाई, वो क्या दिया तो मैंने बनाया सूप, बता नहीं सकते। और भाई गेस्ट जो हमारी आई है, ऐसा सच में आपने कभी नहीं देखा होगा किसी गेस्ट का इस तरह से स्वागत हुआ हो। एक तो बेचारी से पूरा कद्दूकस करवाया और उसके बाद उसके सारे कपड़े भाई, अब वो निशा का कपड़ा पहनी क्योंकि वो एक ही सेट कपड़ा लेकर आई थी। तो चलिए गाइस यही पर इस ब्लॉग को करते हैं, सच में मतलब इतना खतरनाक ये ब्लॉग हो गया। और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना प्यार आप यूं ही बनाए रखें और अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो तो अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।